हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी 360। आज का हमारा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री से होगा। इनफैक्ट ये हमारा पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर से मैं चाहता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करना। मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए क्योंकि हमें आप सबको ऐसा मालूम होगा कि हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री हिस्ट्री का वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो इस समय प्रेजेंटली हमारे अधिकतर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसा जनरली देखा गया है कि चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, कोई भी लॉ का एग्जाम हो, उस हर एक एग्जाम के फॉर्मेट में जो जीएस का पोर्शन होता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करते हुए ये हम देखेंगे कि इंडिया किस तरीके से था और यूरोप में क्या था, किस तरीके से दोनों का ट्रेड रूट्स बने हैं, क्या केवल ये जो सी रूट था केवल वही एक अल्टरनेटिव था या कोई और भी सब्स्टिट्यूट था हमारे पास ट्रेड का। तो ये सब हम आज के लेक्चर में जानेंगे, किस तरीके से कब कौन यूरोपियन पावर जो है वो इंडिया में आई है, किस तरीके से उन्होंने अपना पावर का एक्सपेंशन शुरू किया है, किस तरीके से उन्होंने पहले एक तरीके से ट्रेडर्स के रूप में आए, फिर उसके बाद से उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया यहाँ के इंटरनल मैटर्स में, और करते करते ये जो है हमारा भारत देश जो था वो गुलामी की तरफ बढ़ गया। फिर उसके बाद से इसी मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए हम लोग 1947 जहां तक हमारा देश आजाद हुआ है वहां तक इसको देखते चलेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का यही टाइम स्पैन है कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है फ्रॉम द डेथ ऑफ औरंगजेब, दैट इज 1707 टिल कंटिन्यूइंग पीरियड। तो चलिए आज का लेक्चर हम अपना शुरू करते हैं। हमें ये मालूम है कि इंडिया और यूरोप में जो ट्रेड एस्टैब्लिश हुआ था वो सी रूट से हुआ था। इंडिया स्पेसिफिकली अगर कहें तो सबसे पहले कौन, वास्को डी गामा 1498 में इसने जो है सी रूट की डिस्कवर किया था इंडिया में आने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 1498 से पहले इंडिया और यूरोप में ट्रेड नहीं हुआ करता था। नहीं, इंडिया और यूरोप में ट्रेड हुआ करता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ट्रेड चलते चले आ रहे हैं। ये एक ध्यान दीजिए आप, एक ये 1453 की जो घटना है ये वर्ल्ड लेवल पे काफी इम्पोर्टेंट वो डालती है। क्यों? क्योंकि इस 1453 में ये कस्तस्तूनिया एक शहर था जो कि अब ये मॉडर्न टर्की हो गया है। कस्तस्तूनिया पे कॉन्स्टीन नाम के एक राजा थे। ही वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्पर। इन्होंने अपने नाम पे कॉन्स्टेंटिनोपल ये शहर बसाया था और इसको 1453 में ओटोमन एम्पायर में इस ओटोमन एम्पायर ने इस कस्तस्तूनिया एरिया को कैप्चर कर लिया। और इस कस्तस्तूनिया के कैप्चर होने से ये जो ट्रेड रूट हमारा वाया लैंड था, ये जो लैंड से हम लोग ट्रेड रूट किया करते थे वो एक तरीके से बंद हो गया। अब जब लैंड रूट एक तरीके से बंद हो चुका है तो ट्रेड तो कंटिन्यू करना ही है। उसके वजह से ये जो यूरोपियन पावर्स हैं इन्होंने अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढना शुरू किए। तो कहने का मतलब, समझाने का मेरा मतलब इसमें ये इस पॉइंट को जानना है कि ये हम लोग केवल ना समझे कि केवल एक सी रूट ही था जिसके से इंडिया और यूरोप में ट्रेड होता था, ऐसा नहीं है। ये 1453 में या 1453 से पहले कह ले तो लैंड रूट से हमारे सारे ट्रेड रूट चला करते थे विद इंडिया एंड यूरोप। बट सिंस ये ओटोमन एम्पायर ने इस कस्तस्तूनिया शहर को 1453 में कब्जा जमा लिया, इस लैंड रूट को बंद कर दिया, ट्रेड रूट हमारे बंद हो गए, तो उसके अल्टरनेटिव में ये हमारे ये लोग सी रूट्स की हमारी डिस्कवरी हुई। सी रूट्स को डिस्कवर करने में सबसे बड़ा श्रेय हमारा जो है कोलंबस जो है ये खोज करने निकले थे इंडिया की, बट इन्होंने इन्होंने खोज कर ली अमेरिका की इन द ईयर 1492। और ये फिर सबसे फेमस आदमी मिलेगा आपको ये 1498 में, वास्को डी गामा। ये सब लोग इनके नाम से वाकिफ होंगे। वास्को डी गामा वॉज अ पर्सन हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। अमूमन ये हम लोग कह देते हैं कि ही डिस्कवर्ड इंडिया, मतलब इन्होंने इंडिया की कोई डिस्कवरी नहीं की थी, इंडिया इनकी डिस्कवरी करने से पहले भी था। बट कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सी रूट ढूंढा है जो पुर्तगाल से इंडिया को आता। ये 1498 में ये सी रूट ढूंढ लिया गया बाय द वास्को डी गामा। और इस सी रूट को हम लोग जनरली
केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पीटी पर्सपेक्टिव से, केप ऑफ गुड होप। ये ऐसा क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये जो सी रूट इन्होंने वास्को डी गामा ने 1498 में खोजा था टू इंडिया, मतलब इंडिया आने के लिए जो सी रूट खोजा था उसको कहते क्या है, तो उसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है इन द ईयर। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया खोजा था और इस सी रूट को हम लोग, इस ये जो इंडिया को पहुंचने में जो सी रूट है इसे हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ठीक, अब वास्को डी गामा जब इंडिया आया तो वो आखिरकार पहुंचा कहां, तो वो पहुंचा था पोर्ट ऑफ कैलिकट विच इज इन केरल, और कैलिकट में वहां का उस समय का जो क्षेत्रीय राजा था वो था जमोरिन, वो था ये जमोरिन, और इन्होंने इसका भव्य स्वागत किया और यहां से एक तरीके से हमारा जो कहते हैं कि ट्रेड जो बंद हो गया था इन द 1453 क्योंकि लैंड रूट्स को डिस्टरप्ट कर दिया गया था बाय द ऑटोमन एम्पायर, ये हमारे सी रूट से दोबारा ये शुरू हो गया। अब ऐसा कहते हैं कि जब ये वास्को डी गामा इंडिया आया, इसने जो है खरीदे, मसाले खरीदे हिंदुस्तान से, कई चीजें खरीदी, और ये जब वापस अपने पुर्तगाल गया तो जब इसने अपने जो सामान जो खरीदा हुआ था सारी चीजों को जब वहां पे बेचा है तो वहां पे कहते हैं कि इसको 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था। कैन यू इमेजिन 60 टाइम्स प्रॉफिट इंडियन चीजों की, इंडिया के मसाले स्पाइसेस और तमाम चीजें ये लेके यहां से गया पुर्तगाल, वहां पे उसने बेचा और हर एक तरीके के खर्चे, वॉयज के खर्चे, सैलरीज, मतलब हर एक तरीके के एक्सपेंसेस निकालने के बाद इसको प्रॉफिट 60 टाइम्स हुआ था उस जमाने में। तो अब ये 60 टाइम्स, ये 60 टाइम्स ये जो प्रॉफिट हुआ है, इस 60 टाइम्स प्रॉफिट ने दूसरों को भी मोटिवेट किया, दूसरे यानी कि और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे कि ये हमने देखा पोर्तगाल तो थे ही, डच आने लगे, ब्रिटिशर्स आने लगे, फ्रेंच आए, और भी कई, मतलब और भी कई यूरोपियन कंट्रीज आए, बट ये हमारे चार्ली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये एक पैसा कमाने की देखिए ललक सबको होती है। तो कहने का मतलब जब ये बंदा वास्को डी गामा पुर्तगाल गया, इसको 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ है, तो ये बात पूरे यूरोप में फैलने लगी कि इंडिया एक मतलब ऐसा देश है जहां पे मतलब इस तरीके से ट्रेडिंग वेडिंग अगर मतलब वो की जाए तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा उसूल यही है कि प्रॉफिट कमाना सबका, तो इसी चक्कर में, इसी प्रॉफिट को या कह लें कि इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेस को लेने के चक्कर में या अपने ट्रेड रूट्स को एक्सपैंड करने के चक्कर में कई फॉरेन कंट्रीज इंडिया आई, इंडिया से सामान लेके वहां गई, वहां पे बेचा और अपने प्रॉफिट एक्सपैंड करते चली गई। ठीक है, अब यहीं से शुरू होता है इंडिया और यूरोप का एक जो ट्रेड रिलेशन, जो एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ ट्रेड रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं, यहीं से होता है। अब देखिए, इंडिया उस समय जब ये 1498 और 1595 की बात हो रही है तो उस समय मुगलों का राज हुआ करता था हिंदुस्तान पे, मुगलों का राज हुआ करता था और उस समय हम लोग अपने मिडिवल पीरियड में चल रहे थे। मिडिवल पीरियड में कहने का मतलब, और जो उधर अगर हम लोग चले जाए, यूरोप में चले जाए, तो वहां पे एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो चुका था। अब मॉडर्नाइजेशन हो चुका है तो कहने का मतलब वहां पे लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं, हर एक तरीके से सोचने का तरीका चेंज होता है, काम करने का तरीका चेंज होता है, लोगों को ज्यादा छूट रहती है, तो वहां के ये होने लगा कि अब इंडिया आया जाए। इंडिया में जो है उस समय मुगलों का राज हुआ करता था तो उस समय एक तरीके से परमिशन लेनी पड़ती थी कि मतलब आए, या अपना सेटअप वेटअप कोई भी चीज सेटअप बनाने के लिए यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो हम लोग अब ये देखने वाले हैं कि अराइवल ऑफ फॉरेन कंट्रीज, ये जो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो किस किस टाइम पीरियड में आती चली गई हैं इंटू द इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1498, ये तो बट ऑब्वियस है, सबसे पहले जो है खोजा ही इन्होंने वास्को डी गामा ने, विच वॉज अ पुर्तगाली, तो सबसे पहले पुर्तगाल आए इन द ईयर 1498। ये सब ईयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे डेट्स को आप प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, आगे चलते हैं। तो 1498 में पुर्तगाल सबसे पहले भारत हिंदुस्तान में आए, फिर फॉलोड बाय डच, 1595 में आए डच, 1600 में ब्रिटिशर्स आए हैं और 1664 में फ्रेंच आए हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 1498 में पुर्तगाली आए थे, और हाँ ये मैं एक चीज बता रहा था कि लोगों को ये लगता है कि 1600 में जो ब्रिटिशर्स आए हैं
उनके 1947 तक रुके हुए थे, करीब 200 साल उन्होंने 200-300 साल राज किए हम लोग के ऊपर। तो ये ब्रिटिशर्स का लोग अमूमन ये समझते हैं कि ब्रिटिशर्स 1947 के बाद तो देश आजाद हो गया, तो कहने का मतलब ये लोग ये समझते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो सबसे लेट में गए, बट ऐसा नहीं, जो सबसे पहले आया है वही सबसे लेट गया। आप इसको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, जो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे वही सबसे अंतिम में गए। पुर्तगाली आए थे 1498 में और गए हैं वो दिसंबर 1961, जो लास्ट इन्होंने एरिया खाली किया, या एक तरीके से जो लास्ट एरिया इंडिया में इंडिपेंडेंट हुआ, दैट वाज ऑन दिसंबर 1961 व्हिच वाज गोवा। इसीलिए दिसंबर 1961 इज सेलिब्रेटेड एज गोवा लिबरेशन डे इन गोवा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया कि किस तरीके से कंट्रीज आई हैं। और ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सबसे पहले, तो सबको मालूम रहता है कि कौन सबसे पहले आया, वो तो सबको मालूम है कि वास्को डा गामा नाम आजकल सबको मालूम है। तो सबसे पहले लोग पुर्तगाल तो बहुत इजीली टिक कर देते हैं कि हाँ सर पुर्तगाल सबसे पहले आए थे, बट ये लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कि सबसे अंतिम में कौन गया है। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि पुर्तगाल ही सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली, और पुर्तगाली ही सबसे अंतिम में गया, दैट इज दिसंबर 1961 व्हिच इज सेलिब्रेटेड एज गोवा लिबरेशन डे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंस ये फॉरेन कंट्रीज आ चुकी हैं इंडिया में, अब इनको परमिशन चाहिए होगी कि जो है किस तरीके से हम अपना कारोबार अपना शुरू करें हिंदुस्तान में, क्योंकि उस समय मुगलों का राज हुआ करता था, मैंने बताया आपको। तो अब ये जो आए हैं यहाँ पे, इन्होंने जो आना शुरू किए, ये अब इस ये समझिए कि जो कंट्रीज आ चुकी हैं, ठीक है, उन्होंने आए हिंदुस्तान में, आए इधर उधर थोड़ा देखा होगा, समझा होगा, माहौल समझा होगा। तो ये ऐसे ही कंट्री के फॉर्म में नहीं आए, ये अपनी शक्ल पे या एक तरीके से मुखौटा मान लीजिए कंपनीज का लेके आए कि हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है या डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो इसके लिए ये एक मुखौटा और गया है, तो ये मुखौटा है हमारा कंपनीज, ये जो कंपनी मेड का, ये जो क्रोनोलॉजी हम लोग समझेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी कंपनी कब बनी है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि 1498 में, अब इसको आप याद करने की जरूरत क्या है, इसको रिलेट करते चलिएगा कि कब आए, कब बना, कब कंपनी, कब जो है फॉरेन कंट्रीज आई हैं यहाँ पे, या यूरोपियन कंट्रीज का कौन सा हिस्सा आया है, और कब उसने जो है अपनी वो बनाई कंपनीज यहाँ पे बना ली। ठीक, तो इसको रिलेट करके चलिएगा तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने में। कैसे, 1498 में पुर्तगाल आए हैं, 1498 में ही इनकी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, 1498 में पुर्तगाली आए, एंड 1498 इज द ईयर इन विच दे मेड देयर पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब यहां पे एक और बात, हाँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे बात फंसती है, यहां पे लोग बहुत ही जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डच, ये 1595 में डच आए थे, बट इनकी कंपनी बनी है आफ्टर द ब्रिटिशर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वीआईपी मार्क करिए, इसको वीआईपी मार्क करिए। यहां पे लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि सर आए तो पहले डच थे, तो कंपनी तो सर आप, ये इनकी कैसे बन गई, ये जो भी मतलब ये जो लीगल प्रोसेस है जो भी ये लोग फॉलो करते होंगे उसकी अलग बात है, बट ये हमें ध्यान रखना है कि आए डच पहले थे, बट अगर कंपनी की बात की जाए कि कंपनी किसकी पहले बनी है, तो वो ब्रिटिशर्स की बनी है। यानी कि 1595 में डच आए थे, बट कंपनी अगर 1600 में देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी है, यानी कि डच का अगर देखा जाए तो 1602। ये बात बहुत क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अराइवल के टाइम पे देखा जाए तो पुर्तगाल, डच, फिर ब्रिटिशर्स और अंत में फ्रेंच, बट कंपनीज की अगर बात हो कि कंपनीज कब हुई है एस्टैब्लिश, तो सबसे पहले पुर्तगाली हुई है, और डच ना होके ब्रिटिशर्स हुए हैं, जबकि ब्रिटिशर्स तीसरे नंबर पे आए थे, बट उन्होंने कंपनी बनाने के उसमें दूसरा नंबर हासिल कर लिया। तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, और इसको आप यहां से रिलेट करके देख लीजिएगा कि अराइवल भी उनका 1600 में हुआ है और कंपनी भी इनकी 1600 में बन गई है। अब डच की बात अगर की जाए तो डच आए थे 1595 में, बट इनकी कंपनी बनी है इन द ईयर 1602। ये आप डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हैं, जैसे कि 1595 है प्लस 7 1602 बन गया,
इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी कंपनी बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने बाकी सारी कंपनीज हैं वो आने के क्रम में ही वो अपना बन गए थे, यानी कि 1498 में ये 1600 में ये ब्रिटिशर्स बन गए, और 1664 में फ्रेंच आए थे जो कि लास्ट है, तो इनकी कंपनी भी उसी साल बनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं, अराइवल ऑफ एक बार देख लेते हैं और एक बार कंपनीज मेट देख लेते हैं, ठीक है। अराइवल में अगर देखा जाए तो 1498 में पुर्तगाल आए, और कंपनीज की बात अगर की जाए तो 1498 में ही पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी, ठीक है। अराइवल में अगर फिर से देखा जाए तो 1595 में डच आए थे, बट डच की कंपनी तीसरे नंबर पर जा चुकी है जो कि है 1602 में, ये ध्यान देने वाला पॉइंट है। और ब्रिटिशर्स तीसरे नंबर पे आए थे बट उनकी कंपनी 1600 में बन गई, और चौथे नंबर पे फ्रेंच हैं जो आए थे 1664 में, और इनकी कंपनी भी 1664 में बनी है, ठीक है। अब एक और चीज आप लोग ध्यान रखिए, 1664 में इनकी सारी ये आ चुके, कंपनीज बन चुकी, अब कंपनीज बन के या बना के अब यहाँ पे एक तरीके से फैक्ट्री लगाने की बात हो रही है कि किस तरीके से फैक्ट्री लगाई जाए या अपनी कहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाए। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। कॉमन सेंस क्या कहता है हमारा कि भाई देखिए, इंडिया इज अ पेनिनसुलर इंडिया पेनिनसुलर रीजन है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो कहने का मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो पानी के रास्ते ही आई होंगी, और पानी के रास्ते ही आई हैं तो सबसे पहले या मतलब कोई भी एवरेज मतलब ह्यूमन बीइंग भी क्या सोचेगा कि जो है जहां पे उतरे हैं, जहां पे उनका मतलब एक तरीके से एरिया बिल्डअप हो रहा है, वहीं पे क्यों ना फैक्ट्री बना लीजिए। तो यही इन लोगों ने भी किया, ये इसको हम लोग देखेंगे कि 1500। हाँ देखिए, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात कर ले तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डेट्स ये तीनों जो हैं, ये अराइवल, ये कंपनी का बनना और ये फैक्ट्री का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेट ऐसा मैच द कॉलम करने के लिए आ सकता है, या वो क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। तो ये फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग देखेंगे 1503 में पुर्तगाल की बनी है कोचीन में। कोचीन में क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली केरला में आया है ना, तो केरला में कोचीन में बनी इनकी पहली, 1503 हो गया। फिर आए हम लोग 1605 में, अब देखिए फिर से यहाँ पे डच दूसरे नंबर पे हो चुके हैं, कहने का मतलब डच दूसरे नंबर पे आए थे बट उनकी कंपनी तीसरे नंबर पे बनी, बट उनको परमिशन 1605 में ही बन गई मिल गई। कहाँ उन्होंने अपना फैक्ट्री लगाई है? मसूलीपट्टनम में, ठीक है, डच ने अपनी फैक्ट्री लगाई इन मसूलीपट्टनम। 1608 में ब्रिटिशर्स को उस समय यहाँ पे मुगल सल्तनत के राजा थे आपके जहांगीर, तो 1608 में सूरत में इनको परमिशन मिल गई कि ये सूरत में अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं या फैक्ट्री बना सकते हैं। और लास्ट 1668 में फ्रेंच को मिला, ये भी सूरत में बनाया इन्होंने। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1608 में सूरत में, ये कई जगह पे ऐसा लिखा रहता है कि 1611 में जो है वो मसूलीपट्टनम में मिला था, तो ऐसा नहीं है। ये इस चीज को आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा कि मैं एक चीज बता देता हूं आपको। 1608, आई होप ये दिख रहा होगा सर, सूरत, फिर 1611 में मसूलीपट्टनम, ये दो डेट और ये दो एरिया जरा ध्यान से समझिएगा। 1608 में मैंने क्या कहा है कि पहली इनकी फैक्ट्री एस्टैब्लिश होने की मतलब बात हो रही है, बट कई बुक्स में आपको यह देखने को मिलेगा कि मसूलीपट्टनम वाज द फर्स्ट फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश बाय द ब्रिटिशर्स, बट ऐसा नहीं है। ये इसके पीछे का रीजन क्या है कि 1608 में ये जो है क्या नाम है, ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने 1608 में सूरत में वो एक तरीके से क्या होता है कि अनुमोदित की जाती है, फ्रेंचाइजी एक तरीके से ली जाती है कि मतलब अब जैसे कि राजतंत्र है वहां पे, वो डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो कहने का मतलब राजा का आदेश सबसे ऊपर होगा, तो उस समय के राजा थे या मतलब मुगल राज के वो कह लीजिए तो कि वो जहांगीर, तो जहांगीर ने सूरत में 1608 में परमिशन दे दी कि आप सूरत में आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, बट कुछ ना कुछ हो सकता है अनबन हो गई हो चाहे जो भी बात रही हो, उन्होंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और फिर उसके बाद से जो फैक्ट्री बनी है वो बन के तैयार हो गई 1611 में मसूलीपट्टनम में। बट फिर भी ये इस बात को ध्यान रखिएगा
1611 के खत्म होते होने के दो साल बाद 1613 में यही सूरत वाली जो फैक्ट्री है ये ब्रिटिशर्स ने कंप्लीट कर ली। तो एक तरीके से ऐसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड इन सूरत। अगर कहीं मसूलीपट्टन दिया रहेगा तो वो नहीं मानेंगे आप, या अगर दोनों दे देगा तो सूरत लगाइएगा। वैसे दोनों देगा नहीं जहां तक पूरी उम्मीद है, सूरत लगाइएगा क्योंकि सूरत में सबसे पहले 1600 में परमिशन मिल चुकी थी, काम शुरू हो चुका था। तो आज का लेक्चर ये हम लोग देख चुके कि मसूलीपट्टन में, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखिएगा, 1608, 1611 और 1613 ये तीन डेट्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़े से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा फंसाता है हम लोगों को। सूरत मसूलीपट्टन आप टिक कीजिएगा सूरत पे, क्यों? क्योंकि पहली फैक्ट्री सूरत में ही एस्टैब्लिश हुई। तो आज का लेक्चर ये कंप्लीट करेंगे हम आज यहाँ पे, नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाएंगे, ये देखेंगे कि ये जो फॉरेन कंट्रीज जो आई हैं इनकी क्या क्या पॉलिसी रही है इंडिया को लेके, कैसे कैसे इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया इंडिया में, और उसके बाद से धीरे धीरे इंटरनल मैटर्स में भी दखलंदाजी करने लगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आज का लेक्चर फिर आज को एंड करेंगे आज इस लेक्चर को, और कल से नया दूसरा वीडियो देखा जाएगा, दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपकी क्वेरी हो या कोई भी एडवाइस हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पोस्ट करें। थैंक यू, पढ़ते रहिए।